तो जी हेलो जी, राम राम जी सभी को। और आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। सुबह सुबह देखिए आप, वैसे मैंने थोड़ी सी क्लिप ऐड करके और जो मेरा कलर का भी स्टार्ट किया हुआ था वो बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको आज की दिनचर्या का बनाएंगे, दिन में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्योंकि आज संडे है, आज फुल बारिश डे संडे है, बारिश डे रेन डे संडे सारे चीज़ हैं। आज फुल इंजॉय करने वाले हैं बारिश का, चटपटा चटपटी पकौड़ी पकौड़ा जो भी है। इतनी गर्मी गई है ना, आज सुबह सुबह से ही उठते ये हो रहा है कि भाई आज तो फुल इंजॉय बारिश का लेना है। तो अभी मैं संभाल लेती हूँ मेरे पानी के स्रोतों को वगैरह को। छत्ता देखो मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, तो आज मैंने टी शर्ट ही है अभी तक पहनू, क्योंकि क्या है ना सुबह सुबह सोच रही हूँ कुर्ता मेरा भीग जाएगा, पहले मेरे जो पानी के जो काम है ना वो कर लेती हूँ बाहर के। और इतनी ठंडी लग रही है ना, ओरे ठंडी ठंडी भाई, देखा 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 बहुत ठंडी आ रही है भाई, बहुत ठंडी लग रही है। बाहर निकलने को ऐसे भी नहीं हो रहा, लेकिन क्या करें, पाइप वाइप तो देख के आने पड़ेंगे भाई, कहीं खोलने पड़े और। तो ये जी मॉर्निंग से स्टार्ट किया जो ब्लॉग था वो देखो आप, आज हम जो है बना रहे हैं पकोड़े। पकोड़े की जो मैंने इसमें क्या क्या डाला हुआ है वो मैं डाल दूंगी शॉर्ट वीडियो में। ये हमारा घोल जो है वो तैयार हो गया है, पेस्ट बोलो कुछ भी बोलो। इधर मैंने ऑयल रख दिया है बॉयल होना, और ये इधर तैयार है अपना पेस्ट। अभी बना लेते हैं पकौड़ी। आप लोगों को किसी को बारिश में पकौड़ी खाने का मौसम हो तो आप फटाफट आ सकते हैं, अभी अभी तो तैयार होने लगी हुई है पकौड़ी, जब तक आप आओगे तब तक तैयार होके खाने के लिए तैयार हो जाएंगी। आप आइए जल्दी से खाइए। और ये देखो जी आंधी आ गई, इसके ऊपर मैंने एक डायलॉग सेट करके रखा हुआ, आप वो डायलॉग बताना बहनों इसके ऊपर ही हो रहा है। देखो आप कहाँ गई हमारी बारिश, कुछ नहीं पता हमें कहाँ गई, इतनी बारिश हुई थी ना, फिर भी देखो कोई वो नहीं है हमारे राजस्थान में तो भाई, कि कहाँ बारिश हुई क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाती है। आपके बारे में भी लोग बात करते फेमस होगी मैं सर, मैं पता क्या सोचती हूँ, मेरी बात होनी चाहिए, चाहे नेगेटिव बोलो चाहे पॉजिटिव। तो जी मैंने थोड़ी वॉइस सेट की है इसके ऊपर डायलॉग की, और मेरी जो पकौड़ियाँ थी वो मैं आगे आपको दिखा नहीं पाई हूँ, क्योंकि ये हमारे आंधी जो आ गई थी इतनी बारिश के बाद भी, देख लो अब आप पकौड़ियाँ तो मिट्टी की भर गई, आप क्या खाओगे, इसीलिए मैंने आपको दिखाया भी नहीं। आप कह दोगे इतनी मिट्टी खाते हो आप राजस्थान वाले लोग, तो जी देख लो ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ, और दिन में भी लाइट चला के चलना पड़ा लोगों को, इतनी ज्यादा आंधी आई हमारे यहाँ तो। और बहुत ज्यादा गर्मी मरने के बाद बहनों मैंने लास्ट में ये फैन ले लिया भाई, पहले मेरे पास था जरूर, लेकिन उसको पता नहीं कौन लेगा, समझ ही नहीं आ रहा, वापिस आ नहीं रहा है। पीछे जो आपको आंधी दिखाई है ना, देख लो इस तरीके से हमें बंदोबस्त करना पड़ा बहनों। और इधर देखिए आप, इधर हमने ये लगाया जैसे कि इससे रेत रुक जाएगी। फाइनली बाद में फिर से बरसात आ गई थी, और ये देखो आप हमने आंगन को कर दिया एकदम से साफ, बहुत मिट्टी आई थी देखो, बड़ी भयंकर वाली आई थी, पूछो मत भाई, ये है हमारे राजस्थान के, तो फट दिखाऊं क्या, अभी हमारी थोड़ी ना इधर से रह रही है, तो आप लोग सोचोगे कि देखो 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 चैम्बर के पास देखो अभी यहाँ से रह गई, क्योंकि मिट्टी मतलब पानी डाल के नहीं धोया, फिर वापिस से जो बारिश का पानी आया ना उसी से धोया, देख लो बहनों क्या हालत होती है हमारे यहाँ तो भाई, ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो बहनों हमारे यहाँ तो ये कंडीशन होती है, पल में सोना पल में चांदी पल में रंग बदलते हैं, देख लो इतनी बारिश हुई थी कोई समझ में नहीं आ रहा कहाँ गई भाई वो बारिश। ऊपर से हाय आज मेरी सुबह रोटी डालने के लिए रखी थी मैंने गाय ने, मैं सोचा ये उसके अंदर मिक्स कर दूंगी डाल के आऊँगी जिदे, और भूल गई भाई, फिर बूंदा भी भीग गई देख लो बाड़ो, अब खा लेंगे अब आ जाएंगे वो बादशाह तो आजकल। तो ये कंडीशन होते हैं हमारे, तो ये हालत होती है। और पौधे जो है ना देखो, ये मैंने आपको दिखाए ही थे सब यहाँ पे, कल इन पौधों की हालत बताऊँ आपको, दो दिन तो हमने छिड़का है पानी इनमें, मतलब इतनी धूप होती है ना कि दोपहर में पानी छिड़कना पड़ता है। और ये जो मेरी वीडियो थी ये भाई संडे से शुरू होके कब खत्म हो रही है बहनों, संडे की शुरू हुई वीडियो, और ये आज क्या है गुरुवार है भाई, मैं इस तरीके से वीडियो बनाती हूँ तो प्लीज आप सपोर्ट कर दिया करो, जैसी भी मैं बनाती हूँ आप देख लिया करा करो। और ये भाई मैं बता दूँ आपको, जो पकोड़े थे ना, पकोड़े बनाने के बाद में मैं वीडियो बना ही नहीं पाई, क्या हुआ ना कि पकोड़े बनाने के बाद में और लेट हो गई थी वैसे भी, और मैं मेरे को याद नहीं रहता कि भाई मेरे को वीडियो बनानी थी पकौड़े दिखानी मैं ना पकौड़े खाने के चक्कर में इतनी व्यस्त हो गई पकौड़ों की, मैं वीडियो ही नहीं बना पाई बहनों। यानी कि आप यूँ समझ लेना कि पेस्ट तक ही पकौड़े बने,
और वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई पकौड़ों में तो मिट्टी डल गई थी, पेस्ट में ही आंधी आ गई। हालांकि पकौड़े तो हमने उसी दिन बना लिए थे, लेकिन मिट्टी डले हुए आपको खिला नहीं सकी थी ना मैं, इसलिए मैंने ना आपको दिखाए नहीं। तो ये चक्कर होता है मेरे तो भाई। अब ना मैं थोड़ी देर में आपको दिखा के लेके आऊँगी, मेरे उधर पड़ोस में मकान का काम स्टार्ट हो गया भाई, तो बोरवेल का काम चालू हो रहा है, ठीक है। प्लाट का थोड़ा सा दिखाऊंगी ना, तब आपको दिखा के लेके आऊंगी। और मैं कर लेती हूँ बहनों दूध का धरा धक्का इधर उधर। ओह भाई देखो मेरी वीडियो बनाना आली भाई, मेरी गोटी आ गया तो मन आवाज आई थी, मैं बार वीडियो बना रही थी जब दादा के नाम ले लेके बोलने लगे थे तो भाई के यहाँ से बोल रहा था ला ले भाई पूरा ही बना दिया अकेला दूध का दरड़ को करवा रहा है। आज ठंडी हुई थी मार गुड़गुड़ियों को माई करना आयो के ले ले तू ढक दे तू कर दे की करते ना दूध दाता तो तू तो थोड़ा बनो काम कर दे भाई छोरी तो करेंगी इतनी तो मैं बता दू कदे तो करेगी मार गोटी कदे तो मार गोटी करेगी काम मडरा जो इसने या डर जिया है कि नहीं मम्मी दिखे मम्मी दिखे मम्मी दिखे मम्मी कहाँ जाएगी मम्मी कहाँ जाएगी जागी 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 छोरी मम्मी कहाँ जागी मैं दूध दे दूँ फिर खिलाऊंगा रुक जा प्लाट में पहले आज तो सुबह वाला ज्यादा है भाई पहले सुबह वाला करना पड़ेगा चलो पहले इसको ही रख जाते हैं तब तक प्लाट में राउंड लेके आते हैं। तो ये देख लो इधर चल रहा है ये वाला बोरवेल का काम, ठीक है हमने कहा था ना आपको। और ये हमारा गुड़िया आ गया प्लाट में घूमने के लिए, ये देखो इनके देखो से फोन में देखा सकते मुन्ना देखा पहले तो नहीं बताते हमने अन्न बता दे फोन में देखा सके तू है इसने तो भाई फोन लेती मम्मी दिखने लग जा लाल ऐसे ही गिरती है छोटे बच्चों की लाल ऐसे ही गिरती रहती है। उधर देखो भाई आज छोरी चौकन्नी हो रही है ऊपर ना देखो हरिया बाहर निकाल दी नी जिद बस ऊपर दजाल तीर और से दिखने ला रही चौकन्नी हो रही है इसको खिला लेते हैं भाई पहले एक बार। तो जी वैसे तो आ रही है बोरवेल की आवाज बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आवाज आएगी, लेकिन फिर भी बहनों मैं दिखा देती हूँ हमारे यहाँ तो कुछ क्या करें देख लो बाप। देखो ये मेरी बेल बड़ी मुश्किल से मैंने ना इन लकड़ियों को इसके ऊपर रख के ऐसे देखो कितना मेहनत कर रखी थी देख लो भाई। अब आप कैसे लूँ इसको कोई काम समझ में आने वाला को नहीं, मैंने मन में आओ भाई पाड़ की फेंक दिया बेला और कोई सिस्टम को नहीं है आ त्योरियाँ तापली लागी मैं तो इसी एक भी तो त्योरू नहीं लाग रही अन कर इतनी मेहनत कर करके मैं ये बेल चढ़ाऊँ फिर भी बड़ जिया ही देख लो थे। और वह देखो चूड़ा हो गया है मेरा ये देखो भाई यो है चोड़े को लंबी वाला चूड़ा आंटी जी दे गई थी और एक घिया की बेल है जो कल मैं खोद के देख के गई थी भाई इसने मैं क्या उगा को नहीं देखियो तो उगण हो रहे थो भाई मतलब यानी कि अंकुरित हो रही थी आज देखो ऊपर भी निकल आई है ठीक है। और मारी कारीगरी दिखाऊं भाई गुआर उग गया है मारो यो देखो भाई यो गुआर ब्याज भाई ये बात है ए यो देख लो क्यूकर उड़ रही हो इतनी तेज तूफान आयो पूछो ही ना यार मेरी सारी बेल उड़ गई है देखो मैं दिखाई ही कौन था ना अच्छी तरह की बेल की कितनी लंबाई हो रही है पहली उड़ उड़ा के बेल ही होगी या तो तू नरिया लो या निबट रहा है भाई ओ हो वाह 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 दिखा ही कौन था आज दिखा ही मान तो वो देखो दो दिन बाद में बस मैं सब्जी कर लूंगी सबसे पहली सब्जी हम ही करांगा भाई या देख लियो इस सीजन की लोहिया की लोग करेंगे बाजार आना की जरूर कर सके लेकिन घर का लोहिया ही सब्जी सबसे पहले इस सीजन की मैं ही करूंगी। एक कारण और हो तुम्हारे यो मेरा पुरानी गुआर देखो बानो पुरानी गुआर सारो फूट गयो है और बगर भी आ रहे है हो जाओ वो एक कारण और है हमारा ये चीज जो है नी लोहिया वगैरह की बेल है ये कम पानी में होने की है भाई तो इसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत कर रखी थी या इसमें थी इसको पानी आया कर तो या खूब फैल गई थी फिर बारिश थोड़ी हुई ना उससे या बहुत ज्यादा फैल गई लेकिन अब जो ज्यादा बारिश हुई ना उससे क्या हुआ कि अठहकर पानी भर गयो था भाई अठहकर पानी भरने की वजह से थे देख लो बाणो पीली होगी तो खाली आई में तो लोहिया की सब्जी भाई सो ही सिस्टम है हमारे तो के करा। और मकान को थान दिखाई दियो भाई आज पाइयो पुइयो रखियो सुबेरे भाई जिदे काम चालू हो गया पड़ोस में अपने ओ इन तार पट्टी भी ओढ़ लाग रही है भाई इतना दिन बाई दे रखे तो भाई बाई बहुत बाई के करती ले दादो टाबर करता भाई सारा सारा सिमाना की किकर काट काट के ले आके लगा देता
देख लियो थे आ रहा है नी अगले तार पट्टी ले दिया है भाई, तार पट्टी करवा की दे खेत के आ वे भाई। अब का डांगर बड़के दिखाइए दे कठे कर बड़ेगा भाई, तो बेचारी बहुत मेहनत करी भाई, दादो मार सब लुगाई यहाँ कहने लग रही दूर दूर तक की कैब कर थार बो इन खेत कौन बाए के मैं क्या भी लो फ्रंट करा कैमरो मारा अगली सड़क आई हुए तक का पड़ोसी यहाँ कह थारे का इन खेत कौन बाए के मैं क्या बात है भाई जो कह के ठा किकर काट काट कौन ले गया तो सारा सिमाने ही किकर काट काट के लगा दे था दादो तो भाई है। अब तार पट्टी होगी अब जोर को नहीं आवे चौगर दू ने पूरा की दिखे भाई देखो इन कर भी दिखने लग रही भाई अरे इन लग रहे आज ही लाग गया लाग सुबह रही। तो जी आज की वीडियो का यही करेंगे एंड, फिर मिलेंगे आपको अगले व्लॉग वीडियो में। मैं भाई कर देती हूँ मेरी तोरू तारू की बेला समा समू जुबानो यो काम भी बाकी रह रहे हो दिन छिपन लाग रहे हो है। फिर मिलेंगे आपको अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए राम राम बाय बाय। गोटी को भी खिला लेती हूँ।